यूट्यूबर के कुछ न्यूज के बारे में। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी के एक कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। बिकॉज इस कंट्रोवर्सी में धीरे धीरे करके काफी सारे यूट्यूबर्स जुड़ गए। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने सारे लोग इंक्लूड हो चुके हैं। इसमें टोटल गेमिंग, पहाड़ी गेमर, बट टोटल गेमिंग का बस एक ही रिप्लाई आया था एक्सेल को लेकर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसके बाद से वो इनमें इंक्लूड नहीं है। एंड फिर आ जाते हैं रोमियो गेमर, स्काई लॉर्ड, फैम क्लेसर, टू साइड गेमर एंड वासियो सीआरजे एंड प्रो नेशन भी है, बट वो अपने साइड से बस बात रखे थे। एंड जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रोमियो गेमर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर स्कारलेट को रिप्लाई किए थे, जिसमें वो काफी सारे पॉइंट्स रखे थे। बट रोमियो गेमर जो लाइव पे कुछ बातें बताए थे, उनमें से कुछ बातें झूठी निकली, जैसा कि टू साइड गेमर्स और वासियो सीआरजे बताए। रोमियो गेमर लाइव पे बताए थे कि वे जब टू साइड गेमर्स के ऊपर वीडियोस बनाए थे जिसमें वो टीएसजी को हेट कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि टीएसजी सारे ऑडियंस से झूठ बोले थे कि जब वे टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे एंड वे इंडिया को हरा के आए थे, तो वहां पर जिसको गेम प्ले करने के लिए डिवाइस दिया गया था, तो उस डिवाइस में चार वायर लगे हुए थे, बट वहां पर दो ही वायर लगे थे, ऐसा मुझे वासियो ने बताया। एंड सब कुछ होने के बाद जब टू साइड गेमर्स को ये पता चलता है, तो वे कुछ देर पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रूफ दिए। उस टाइम पर वो कभी नहीं बोल रहे थे कि चार वायर है, बल्कि वहां पर दो वायर थे। एंड वो क्लिप आपको प्ले करके दिखा देता हूं। खेलना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस हम इधर खेलते, तो इधर तीन वायर, दो वायर लगाए हुए थे, चार्जिंग कॉर्ड और ये वायर, जिससे हमें इंटरनेट चार्जिंग कॉर्ड से आया, तो हम निकाल भी नहीं सकते चार्जिंग कॉर्ड। हमें दो वायर कंपलसरी लगा के खेलना पड़ता है, और ऐसे खेलना है हमें, ऑलरेडी उसमें दो वायर है इधर, तो हम इधर जो है हमारे से खेलने जम रहा नहीं था, फिर भी हमने ट्राई किया और लोग बोल रहे हैं। एंड ये क्लिप उस टाइम के जब टू साइड गेमर्स टूर्नामेंट खेल के आए थे, एंड उस वाले वीडियोस में वो बताए भी थे कि दो वायर वहाँ पे लगे हुए थे। एंड टू साइड गेमर्स रोमियो गेमर को रिप्लाई करते हुए ये भी लिखे, इसमें कितनी बार मैंने दो वायर बोला है, उसने लगता है 2+2 कर दिया भाई, चार वायर वाह कुछ भी मतलब। जिसके बाद रोमियो गेमर उसे रिप्लाई करते हुए इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, सबर करो, जब मेरे को उतारना ही चाहते हो इन सब में तो उतरेंगे। एंड फिर रोमियो गेमर बताया कि जो वासियो से उसका बात हुआ था उस टाइम पे, तो वासियो यहाँ पर क्लियरली बताया कि उसे याद नहीं है कि रोमियो से उसका कब बात हुआ था। एंड अगले स्टोरी में वासियो ये भी बताए, ऋतिक ने चार कोच की बात की थी, चार वायर की तो बिल्कुल भी नहीं, एंड मैं किसी के साइड नहीं हूँ, डोंट लाइक टू ड्रैग एनी कंट्रोवर्सी। ये कौन सा कुत्ता इतना भौंक रहा है, भूल गया क्या रियलिटी व्यूज, कैसे छापे, कैसे चैनल खड़ा किया, पता ना तूने तो बोला वासियो से बात हुआ था, उसने बताया कब बात की थी, रियलिटी तेरी वीडियो बनाया। आईटीएल के भाई ऋतिक कैसे हो, ऋतिक भाई भूख के चटने की आदत नहीं, जो नजर से उतर गया वो उतर गया। एंड रही बात जहाँ पे है खुद से, मैंने अपना पॉइंट रखा है, मैंने कुछ बात नहीं किया था उस टाइम पे, उस टाइम इससे क्या मैं किसी से भी बात नहीं किया था, सो सिंपल डोंट यूज माई नेम, क्योंकि मैंने तेरे से बात भी नहीं किया है, एंड सिंपल एज फक, इफ यू प्रोवोक मी डम आई विल डिस्ट्रॉय यू। जिसके बाद रोमियो गेमर उसे रिप्लाई करते हुए ये लिखते हैं, जो इस मैक के नशे में, शायद यहाँ पे स्मोक लिखना चाहते थे, जो स्मोक के नशे में रहते वो डिस्ट्रॉय करेंगे, बीएसजी के मुंह पे मुंह दूंगा बह जाएगा, लाइव आने का वेट कर, मेरे सब रिप्लाई देंगे, टूर्नामेंट तू तो देखेगा नहीं, कम से कम हमें तो इंडिया को देखने दे। एंड ऋतिक वाला जो सीन था अभी, जो जस्ट मैंने आपको दिखाया आगे में, तो रोमियो गेमर टू साइड गेमर्स को लेकर एक और रिप्लाई किए, शांति पसंद नहीं लगता है, कुत्तों को इज्जत रास नहीं आती, ओ सॉरी आजकल चैनल डाउन चल रहा है, सबके नंबर बढ़े जा रहे हैं, तो बचे कॉन्ट्रोवर्सी वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी चैनल पे इन्होंने सब कंटेंट डाल के देख लिया, बस कॉन्ट्रोवर्सी बची वो भी करके देख ले। ये ध्यान रखना मेरी वजह से, जिनसे कॉन्ट्रोवर्सी लेने की सोच रहे वो नहीं लेगा, दोनों भाई इतना माँ के, एंड कैसे लाइन आप खुद ही समझ सकते हो। एंड फिर भी लास्ट में लिखते हैं, रोमियो पहले भी बाप था, आज भी बाप है और आगे भी तुम्हारा बाप रहेगा, तो कैसे